हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी नॉनस्टॉप तबाही मचाए हुए है तो देवभूमि उत्तराखंड में गंगा रौद्र रूप दिखाने लगी है। ऋषिकेश में आम दिनों में गंगा का पानी हरा दिखता है, हर घाट पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने ऐसा आपातकाल लगा दिया है कि कई घाट पानी में डूब चुके हैं। रामझूला के कई तार गंगा के तेज बहाव की भेंट चढ़ गए, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही वाटर राफ्टिंग हालात ठीक होने तक ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से न सिर्फ गंगा बल्कि वाटरफॉल भी बेकाबू हो गए हैं। गंगा का रौद्र रूप हरिद्वार में भी दिखाई दे रहा है। जहां हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, वहां गंगा का पानी तांडव मचा रहा है। यही वजह है कि पूरा सरकारी महकमा एक्शन में आ जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में चमोली और देहरादून से लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से NH 58 ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हाल के दिनों में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। 8 अगस्त को उत्तराखंड में 3 मंजिला होटल जमींदोज हो गया था। इस होटल में 22 कमरे थे। भारी बारिश की वजह से इस होटल में दरारें आ गई थी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये होटल गिरा उसमें कोई नहीं था। इससे पहले 4 अगस्त को रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानें ढह गईं, जिसमें कई नेपाली और स्थानीय लोग सो रहे थे। इस हादसे में करीब 16 लोग लापता हो गए, लेकिन सिर्फ 3 लोगों के ही शव मिल पाए। बीती 18 जुलाई को रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के पड़ाव फाटा में पहाड़ी टूटने से 8 कमरों वाला होटल और एक रेस्टोरेंट ध्वस्त हो गया था। मतलब उत्तराखंड बारिश के मौसम में जानलेवा हो जाता है। यही वजह है कि पर्यटकों को पहाड़ से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, और जो जा रहे हैं उनकी सेफ्टी की हर संभव कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। तबाही किस हद तक हो सकती है, इसे 10 साल पहले केदारनाथ आपदा के रूप में हम महसूस कर चुके हैं। दरअसल उत्तराखंड में जब भी गंगा उफान पर आती है, जहन में केदारनाथ की आपदा आने लगती है, क्योंकि 10 साल पहले जो हुआ वो मंजर आज भी कोई नहीं भूला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।